शुगर के अंदर आप इंजेक्शन पर पहुंचते हैं, ब्लड प्रेशर में लास्ट में डॉक्टर लेसिक्स करके दवाई देता है जो किडनी को डैमेज करता है। थायराइड की जितनी दवाई है हार्ट एंड लीवर को डैमेज करती है। यानी आप एक बीमारी का इलाज करने जाते हैं, तीन बीमारी गिफ्ट में लेके आते हैं। तीन का इलाज करते हैं 9 बीमारी, 9 का इलाज करते हैं 27 बीमारी, और लास्ट में आप बन जाते हैं दवाई की दुकान। हार्ट अटैक कभी बोल के आता है क्या? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हार्ट अटैक कभी बोल के आता है? अचानक से होता है ना, होता है कि नहीं होता है? कभी सोचा ये हार्ट अटैक अचानक से क्यों होता है? सब बीमारी बोल के आती है। शुगर बोल के आएगा, हाई बीपी बोल के आएगा, थायराइड बोल के आएगा, गठिया बोल के आएगा, लेकिन हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो चोरे छुपे आता है, हाँ चलते चलते इंसान गिर जाता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? इसका कारण क्या है? आपके शरीर में आज से 50 साल पहले 70 साल पहले क्या इतना शुगर थायराइड बीपी होता था? उस समय भी होता था लेकिन इतना नहीं होता था। आज ये बीमारियां क्यों आई, कहां से आई, क्यों आई, कहां से आई, और आज इस थेरेपी की जरूरत क्यों है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जानना जरूरी है कि नहीं है? हाँ या ना? आप लोगों से कितने लोगों ने सिकाइयां करवाने जा रही हो, सिकाई करवाने जा रही हो? ये ऑर्डिनरी सिकाई नहीं है प्लीज। दूसरी बात कि ये सिकाई करने से होता क्या है, जैसे कि सर ने बताया लेक्चर्स जानना जरूरी है। आपके घर में ना 3 हत्यारे, हर घर में 3 हत्यारे, बताइए आपके घर में 3 हत्यारे कौन है? आप बताइए आपके घर में 3 हत्यारे कौन है गिफ्ट मिलेगा? आप हर घर में, हिंदुस्तान के हर घर में 3 हत्यारे, बताइए कौन है वो 3 हत्यारे, जिनके बगैर घर चल ही नहीं सकता और जिसको आप ताकत मानते हैं। क्लू दे रहा हूं, हाँ जी, मांस पतीला हर घर में थोड़ी मिलेगा। हर औरत बड़े चाव से इस चीज को वापरती है। टीवी मोबाइल नहीं, खाने की चीज, चीनी और चावल नहीं, मैं बताता हूँ, चलो आपको नहीं मालूम। आपके घर में 3 हत्यारे, घी तेल और मक्खन। आपके सभी के घर में 3 हत्यारे, घी तेल और मक्खन। हर औरत ये जानती है कि खाना बनाना है तो तड़का तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ या ना? माता जी सही बात है, गलत बात है? ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। तेल में कोई टेस्ट ही नहीं होता है। आप में से कोई आधा कप तेल मुझे पी के दिखा दीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग बता के गए, बेटा घी खाइयो, घी खाने से ताकत आती है, बोलते गए कि नहीं? हाँ या ना? मक्खन खाने से ताकत आती है, लेकिन पुराने जमाने में हम मेहनत करते थे कि नहीं? हाँ या ना? आज हम मेहनत करते हैं नहीं? आज आपने पंखे लगा दिए, कूलर लगा दिए, एयर कंडीशन लगा दिए, हर घर में बाइक है, कार है कि नहीं? हाँ या ना? तो आज ये घी तेल मक्खन या तो आपके पेट में जमा होगा या आपके दिल में जमा होगा, और ये घी तेल मक्खन ही कारण है आपके शरीर में बीमारियों का जन्मदाता है। यही आपके पाचन तंत्र को खत्म करता है। तो हम क्या करेंगे, घी तेल मक्खन छोड़ देंगे? पॉसिबल है। और चौथा हत्यारा आपके घर में चीनी। चीनी की पहली फैक्ट्री 1858 में हिंदुस्तान में लगी थी। हमारे बुजुर्ग गुड़ खाते थे जी, चीनी खाने से 83 बीमारी का जन्म होता है और गुड़ खाने से 40 बीमारी ठीक होती है। और सबसे पहले सुबह उठते के साथ चाय दूध होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? तो जहर जो अंदर आ रहा है इसको निकालेंगे कैसे? मेहनत करेंगे, पत्थर तोड़ना शुरू करेंगे, खेतों में काम करना शुरू करेंगे। कौन करेगा? अरे लड़के की शादी नहीं होगी, बोलेंगे सास बड़ी बेकार है, बहुत काम लगा रही है। देखिए एक सच्चाई है, जो सच्चाई है उसको मानना चाहिए। एक होता है ख्याली पुलाव बनाना, शेख चिल्ली जैसा, अरे मैं एक अंडा खरीदूंगा, अंडे से मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी से अंडा। कोई मेहनत कर सकता है क्या ईमानदारी से? कौन करना चाहता है? बच्चे करेंगे नहीं, बगावत कर देंगे बच्चे, बोलेंगे माँ सठी आ गई है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये एक सच्चाई है, बुरा नहीं मानेंगे, एक सच्चाई है। और घी तेल और मक्खन आप बंद नहीं कर सकते, और यही घी तेल और मक्खन जब आपके खून में जाता है तो आपके खून में फैटी एसिड जमा हो जाते हैं, यानी कि ये चर्बी आ जाती है। शुगर होने का सबसे बड़ा कारण कि आपके दिमाग जो है ना, दिमाग, इसे CNS कहा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसे PNS कहा गया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपका दिमाग है ना आपके शरीर का मालिक है और वो सिग्नल भेजता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम आपको इंडो वेस्ट की तरफ से आपको बताना चाहते हैं। ये जो बिस्तर है ना, ये जो बिस्तर, ये बिस्तर ऑर्डिनरी बिस्तर नहीं है जी,
ये जो बेड है ना ये ऑर्डिनरी बेड नहीं है जी, आपका जो ये जो मनुष्य शरीर है ना ये 80 साल आपको जीना है, 80 साल का आपका जीवन काल है कि नहीं है? हाँ है ना? और इस जीवन काल को आप किससे निभाएंगे? इस शरीर रूपी वाहन से, इस शरीर रूपी वाहन से ये 80 साल का जीवन काल चलेगा कि नहीं? हाँ या ना? इस शरीर को सही रखने के लिए आज तक आपने क्या किया? कुछ नहीं। ये है मेरा सवाल आपसे, कुछ किया आपने? कुछ नहीं। कुछ नहीं किया, लेकिन 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 इसको बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ किया। खाया चीनी, खाया घी, खाया तेल, खाया मक्खन, दाल मखानी में थोड़ा मक्खन डाल दीजो, अरे रोटी में घी नहीं है, क्या मजा आएगा? बोलते क्या नहीं बोलते? हाँ या ना? छोले भटूरे वाहवा, आलू टिक्की वाहवा, खोए की मिठाई वाहवा। तो इस दिल को बिगाड़ने के लिए हमने सब कुछ किया ना? हाँ या ना? लेकिन इस घी तेल मक्खन को निकालने के लिए आपने क्या किया? अगर आपने पानी पिया और अगर आपको यूरिन पास नहीं हुआ तो पेट फूलेगा कि नहीं फूलेगा? हाँ या ना? तो यही चीज होती है, ये जो घी तेल मक्खन आपके शरीर में जम जाता है, आपके खून में चला जाता है और आपके खून को गाढ़ा कर देता है और वहीं से बीमारी का जन्म होता है। जितनी भी बीमारी का जन्म होता है ना, दो जगह से होता है, एक आपके पेट से और एक आपके दिमाग से। आपका जो पाचन तंत्र है इसको सही रखने के लिए हमने कुछ नहीं किया, लेकिन इसको बिगाड़ने के लिए हमने बहुत कुछ किया। और ये जो हमारा जो बिस्तर है ना, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब हार्ट अटैक आता है तो औरत क्या बोलती है? हे भगवान, मैंने ऐसे क्या पाप किए थे कि मेरे घर में हार्ट अटैक आया? बोलते कि नहीं बोलते? हाँ या ना? आपको शुगर हो जाती है तो अरे मैंने तो इतनी मिठाई नहीं खाई, और वो मेरी बहन इतनी मिठाई खाती है उसको शुगर नहीं हुई लेकिन मुझे शुगर हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, आप रोज दांत साफ करते हैं अपना? हाँ या ना? टूथपेस्ट करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं टूथपेस्ट? क्योंकि है ना ऐड आता है, अरे कोलगेट, मुर्गियों जैसे चमकते हुए दांत। अगर आप टूथपेस्ट नहीं करेंगे तो दांत सड़ जाएंगे, तो हम उस डर से दांत को साफ करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? हाँ या ना? करते हैं। रोज हम नहाते हैं कि नहीं? मल मल के साबुन से नहाते हैं कि नहीं? नहाते हैं। नहाते हैं। हम कपड़े धोते हैं कि नहीं? आप जिस थाली में खाना खाते हो उस थाली को भी साफ करते हो कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, आपने जो खाना खाया मुंह से दांतों से चबाया और चबा के ये आपके इसोफेगस से होते हुए गया और आपके पेट में थोड़ा थोड़ा करके लगा, लगा के नहीं लगा? तो थाली में जैसे आपने खाना खाया था वैसे ये गंदगी पेट में जमा होगी कि नहीं होगी? और जब ये पेट में जमा होगी तो ये सड़ेगी कि नहीं सड़ेगी? सड़ेगी। और बीमारी का रूप लेगी कि नहीं लेगी? वहीं पे हमारा टॉर्जिया पिक्चर में आता है, वहीं पे हमारा टॉर्जिया पिक्चर में आता है। कैसे आता है? कैसे आता है? आप लोगों ने इतने लेक्चर सुने, आप लोग बता सकते हैं हमारे टॉर्जिया के बारे में? हमारा टॉर्जिया क्या है? नहीं मालूम आपको? क्या मालूम है आपको टॉर्जिया के बारे में? दो पत्थरों से, तीन पत्थरों से, कौन से पत्थर? टॉर और जिया। टॉर और जिया, टॉर्मलाइन एंड जर्मेनियम। अच्छा ये पत्थर करता क्या? आपको देखने का ये पत्थर क्या करता है? बेटा इधर आना, बेटा इधर आना, एक मिनट। क्या नाम है आपका? हाँ जी, अभिनव उपाध्याय। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल की उम्र है। देखिए इसके हाथ को मैं हल्का सा दबाता हूँ, क्या होता है? क्या होगा? दर्द हो रहा है। 12 साल के बच्चे का कोनी मैंने हल्का सा दबाया, इसे दर्द हो रहा है। क्यों? इसकी हड्डियां कमजोर है। क्या नाम है बेटा? प्रियांशु। उम्र कितनी है? 10 साल। देखते हैं इसकी हड्डी में कितना जोर है। क्या हो रहा है? बताओ बेटा, सही बताओ, दर्द नहीं हो रहा? अब देखिए ऐसे है ना, मैं सैकड़ों बच्चे आपके यहाँ बुला सकता हूँ, ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है। इस बच्चे के शरीर में विटामिन D3 नहीं है और विटामिन D3 किसी खाने की चीज से मिल ही नहीं सकता है, किसी दवाई से मिल ही नहीं सकता है। विटामिन D3 तब मिलेगा जब FIR रेज आपके शरीर पे पड़ेगी। जब FIR रेज आपके शरीर पे पड़ेगी तो आपके शरीर में Y2D कोलेस्ट्रॉल नाम की एक ग्रंथि होती है जो सक्रिय होती है, और जब वो ग्रंथि सक्रिय होगी तभी ही खून में विटामिन D3 आएगा जो हड्डियों के लिए सबसे अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। माता जी मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये बताना चाहता हूँ आज ये जितने लोग आप लोग ने 80% लोगों ने हाथ उठा दिया कि दर्द है,
तो उसका कारण है कि आपकी हड्डियां कमजोर है, क्योंकि आज की डेट में सुबह 5 बजे उठ के बहुत कम लोग सूरज की किरणें सेकते हैं, और सुबह जब सूर्योदय होता है उसमें लालिमा होता है और उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो होती है FIRs। जब टॉर्डियल स्टोन आप धारण करते हैं या टॉर्डियल स्टोन आपके शरीर के संपर्क में आता है, उस समय जैसे ही आपके शरीर का जो तापमान होता है वही तापमान हमारे टॉर्जिया स्टोन का हो जाता है, और उससे निकलती है FIR रेस। क्या निकलती है जी? FIR रेस। तो ये FIR रेस हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो कहां से लाओगे आप ये विटामिन D3 अगर नहीं लोगे आप थेरेपी, अगर आप नहीं धारण करोगे टॉर्जिया, नहीं लेटोगे आप टॉर्जिया पे, क्योंकि यह सिर्फ सुबह की सूरज की किरणों से ही मिलता है, और ऊपर वाले ने भी आपको कोटा दिया हुआ है 20 से 25 मिनट सिर्फ आपको ये FIRs मिलेगी। तो क्या ये FIRs आपको कहीं से मिल सकती है? टॉर्जिया पत्थर से। टॉर्जिया पत्थर से। तो क्या है आपके आपके घर में? टेलीविजन है आपके घर में? फ्रिज है आपके घर में? टेलीविजन आंखें खराब करता है। फ्रिज का ठंडा पानी पीते हो शरीर का तापमान नीचे गिरता है। तो मोबाइल में जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, गाड़ी में जब आप चलते हैं तो धुआं निकलता है, तो आपके घर में सब कुछ आपको बीमार करने वाला है। आज मेरा एक सवाल है आपसे, आपका बच्चा बीमार ना हो इसके लिए क्या टॉर्जिया है आपके घर में? आपने पिलाया अपने बच्चे को हॉर्लिक्स, पिलाया आपने बॉर्नविटा, आपने दी अच्छे से अच्छी तालीम, आपने अच्छे से अच्छे संस्कार दिए, अच्छे से अच्छा कपड़ा दिया, लेकिन आपके बच्चे को शुगर ना हो इसके लिए आपने क्या किया? आपके बच्चे को ब्लड प्रेशर ना हो इसके लिए आपने क्या किया? आपके बच्चे को थायराइड ना हो उसके लिए आपने क्या किया? आज 80% लोग दर्द से पीड़ित है कि नहीं है? हाँ या ना? आपके बच्चे को दर्द ना हो इसके लिए आपने क्या किया? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और यही पे हमारी थेरेपी का बहुत बड़ा रोल आता है जी। जब आप हमारे मैट को या हमारे बेड पे सोते हैं, हमारा बेड क्या करता है, और इस बेड का जो स्टोन है टॉर्जिया, इससे नाना प्रकार की दवाइयां बनती है जी। कल सुबह अगर आप लोग आ सकते हैं तो हम आपको बताएंगे कि टॉर्जिया स्टोन से नाना प्रकार की दवाइयां बनती है। और एक गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज जानना चाहेंगे जी? जी हाँ। सात समुंदर पार से कोरिया नाम के देश से एक खुशखबरी आई है आप लोगों के लिए, और ये खुशखबरी क्या है आप लोग? हमें ना, हम यहाँ पे इंडोवेस्ट में ना एक चीज है, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है धीरज अरोड़ा जी, उन्होंने कसम खाई है कि मैं हिंदुस्तान से बीमारियां उखाड़ फेंकना चाहता हूं। ताली भी बनती है इस बात में, ताली भी बनती है। आज आपने बात देखी है, 20 साल से अंकल शुगर से पीड़ित है, 21 साल से 18 साल से, मैं ये तीनों अंकल को ना गारंटी देता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर हमारे बेड पे दिन में 3 टाइम थेरेपी दी सुबह दोपहर और शाम, तो 1 साल के अंदर शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा जी। अगर 3 टाइम थेरेपी दी सुबह दोपहर और शाम, तो डायबिटीज जड़ से, बड़े शहर में जैसे आजमगढ़ शहर है उसी दिन से बच्चा बीमार होना शुरू हो जाता है।